ई श्रम कार्ड की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के सीनियर मैनेजर लोकेश कुमार जोशी सीएससी के द्वारा भारत सरकार ने सभी गरीबों का एक डेटाबेस तैयार कर रखी है, जिससे सभी गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए भारत सरकार ने सीएससी को काम सौंप दिया है, जिसका पंजीयन चालू हो गया है। अपने नजदीकी सेंटर में जाकर आप नमस्ते करण। ई श्रम भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा पूरे देश में जितने भी असंगठित श्रमिक हैं उनका डाटाबेस भारत सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है, और इस डाटाबेस को कलेक्शन का जो काम है वो पूरे देश में सीएससी को करने के लिए दिया गया है, और सीएससी के माध्यम से हम इस काम को कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में हम 7 लाख से ज़्यादा कार्ड बना चुके हैं, और अभी भी ये काम हम तेजी के साथ कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ई श्रम को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। हम ब्लॉक पे मीटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, और इसी तारतम्य में हमने 22 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में एक बाइक रैली का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में इस योजना को लेकर जागरूकता आएगी, उन्हें पता चलेगा कि इस कार्ड को बनाने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा और इस कार्ड को बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा लोकेश आपकी बातें सुन के कि आपकी टीम इस तरह से मतलब लोगों भारत सरकार की इस योजना का लोगों को लाभ दिलवा रही है। तो लोकेश मतलब मैं जानना चाहूँगा कौन कौन ये कार्ड अपना बनवा सकता है, मतलब किस किस वर्ग के लोग ये कार्ड अपना बनवा सकते हैं। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के ऐसे नागरिक जो 16 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच की आयु के हैं और जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं या जो सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसे सारे लोगों अपना ई श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, खेती है और मजदूर है, दिहाड़ी वाले मजदूर है, रिक्शा चालक है, ड्राइवर है, मजदूरी करने वाले छोटे मजदूर हैं, किसान हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सीएससी वीएलई भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। अच्छा, इसको बनाने की क्या प्रोसेस है? जैसा कि मैंने आपको अपना इंटरव्यू शुरू करते समय बताया कि पूरे देश में सीएससी के द्वारा ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो जिन भी हितग्राहियों को इस कार्ड को बनाना है उसके लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा सीएससी कार्यरत हैं, और हर पंचायत पर, हर ब्लॉक पर, हर जिले में हमारे वीएलई ई श्रम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी पंचायतों में कैंप लगाकर भी इस काम को किया जा रहा है। हम केवल कार्ड ही नहीं बना रहे, हम जागरूकता लाने वाला काम भी कर रहे हैं, लोगों को उन्हीं की ग्राम पंचायत में जाकर उसका पूरा